बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बायो का सेकंड लेक्चर होगा 9th क्लास का इंशाल्लाह। तो आई होप प्रीवियस लेक्चर तो आपको सही से समझ आ गया होगा। हमने ब्रांचेस पढ़ी थी हाफ, जो कि 18 ब्रांचेस थी, हमने 9 स्टडी कर ली थी। आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 9 स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द ब्रांचेस। जी स्टूडेंट्स, हम टैक्सोनॉमी तक स्टडी कर चुके थे। आज हमने इंशाल्लाह पैलेंटोलॉजी से स्टार्ट करना है, अपना स्टार्ट लेना है। व्हाट इज़ पैलेंटोलॉजी? तो पैलेंटोलॉजी है हमारे पास, पैलेंटोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इसमें आपने स्टडी करना है फॉसिल्स को। अब फॉसिल्स क्या हैं? नेक्स्ट वो बता रहा है विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, जो कि रिमेन्स हैं, बकाया जात जो बन चुके हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स नापैद ऑर्गेनिजम्स जो आजकल इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं से तेल निकल रहा है, कहीं से आपको कुछ ना कुछ इसके डेड रिमेन्स मिल रहे हैं, आपको पता चलेगा कि जी डायनासोर का जी ये ढांचा मिला इतने अरसे बाद, तो वो रिमेन्स हैं उसके, जो मर चुके हैं या नापैद हो चुके जानवर वो, तो उनको हम फॉसिल्स कहेंगे और उनकी स्टडी को हम कहेंगे पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नाम इंडिकेट कर रहा है कि इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन पढ़ेंगे हम इसके अंदर। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इसमें हम स्टडी करेंगे इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक क्या है इन्वायरमेंट के साथ, इन ऑर्गेनिज्म का क्या असर हो रहा है इन्वायरमेंट पे, ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी का क्या असर है इन्वायरमेंट पे, और इन्वायरमेंट का क्या असर हो रहा है ऑर्गेनिज्म पे, ये सब हमने इंटरेक्शन पढ़ना है एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। हमने सोशल बिहेवियर पढ़ना है एनिमल का, जो कि सोसाइटी बना रहे हैं, माशरे को साथ लेके चल रहे हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कॉलोनियल हैं, सोलिट्री हैं, जो कि अलग-अलग रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो सोसाइटीज़ बनाते हैं। जैसे इंसान है, हमारा माशरा है, हम इंसान अकेले नहीं रह सकते, हमें माशरे के साथ चलना पड़ता है। फिर कुछ ऐसे हैं जैसे आंट्स हो गई, बीज हो गई, इन सब ने सोसाइटीज़ बनानी है, इन्होंने माशरे के साथ चलना है। तो हमने इनका बिहेवियर चेक करना है कि ये माशरे में किस तरह बिहेव करेंगे, इसको हम कहेंगे सोशियो बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटोलॉजी। लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हम ये जानेंगे कि पैरासाइट्स है क्या। ये इन्होंने बॉक्स में उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि पैरासाइट्स क्या हैं। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो खुराक लेता है और पनाह लेता है अपने होस्ट से। उसने अपने एक मेज़बान के घर जाना है, उससे उसने खुराक भी लेनी है और पनाह भी लेनी है, उसके घर रह भी रहा है, सब कुछ ले रहा है उससे, एंड इन रिटर्न और उसके बदले में उसे क्या कर रहा है, हार्म देम, नुकसान पहुँचा रहा है, ये पैरासाइट्स होंगे। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, जैसे हम अगर किसी के घर जा रहे हैं, हम मेहमान बन के जा रहे हैं किसी घर, हम उसी घर रहते भी हैं काफ़ी अरसा, और हम उससे पनाह भी ले रहे हैं, हम उससे खुराक भी ले रहे हैं, और लेकिन हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके बदले में, क्या तो क्या हम पैरासाइट्स होंगे? नहीं, हम पैरासाइट्स ही होंगे। हम बुरे इंसान तो हो सकते हैं लेकिन पैरासाइट्स नहीं हो सकते। डिफरेंस क्या है पैरासाइट्स में? एक्चुअली जो पैरासाइट्स होते हैं वो डिफरेंट स्पीशीज से होते हैं। जैसे ह्यूमन है और आंट्स हैं, ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। हमारे अंदर बैक्टीरिया आके रहते हैं या हमारे अंदर वायरसेस अटैक कर देते हैं या कोई और माइक्रोब्स अटैक करते हैं, तो वो पैरासाइट्स होंगे, क्योंकि हम दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। एक इंसान दूसरे इंसान का पैरासाइट नहीं हो सकता, एक आंट दूसरी आंट की पैरासाइट नहीं होगी। एक आंट किसी वायरस बैक्टीरिया की तो पैरासाइट हो सकती है, या वायरस बैक्टीरिया उसका पैरासाइट हो सकता है, लेकिन सेम स्पीशी कभी भी पैरासाइट्स नहीं होंगे। आई थिंक ये क्लियर हो चुकी होगी बात आपको, ये बात याद रखिएगा। तो पैरासिटोलॉजी क्या है? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ये ब्रांच स्टडी करती है पैरासाइट्स को। नेक्स्ट हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में बायो का यूज़ पढ़ना है हमने। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसमें हमने स्टडी करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह यूज़ हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, और वो किस तरह इंसान की फलाह बहबूद में काम आ रहे हैं।
फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड क्लोनिंग हो रही है, हमारे पास स्टेम सेल्स हम जनरेट कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, कैंसर का बहुत सारा इलाज आया हुआ है इसकी वजह से, जीन थेरेपी हो रही है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंडर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम को स्टडी करेंगे। इम्यून सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो कि हमें बचाता है माइक्रोब्स के अगेंस्ट। माइक्रोब्स मींस हमें जब भी कोई बीमारी होती है तो हमारे ऊपर अटैक होता है बैक्टीरिया का, वायरसेस का, या किसी भी माइक्रोब का, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी डिफेंड करेगी, उस डिफेंस सिस्टम को हम कहेंगे इम्यून सिस्टम, और इसकी स्टडी को हम कहेंगे इम्यूनोलॉजी। हमें जब भी टेम्परेचर होता है या कोई भी बीमारी होती है, फर्स्ट करें टेम्परेचर हम ले लेते हैं, टेम्परेचर हमें कब होता है, जब हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा होता है, कोई माइक्रोब अटैक कर रहा होता है, उसके बदले में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी उससे लड़ाई करने के लिए। हमारे वाइट ब्लड सेल यही काम करते हैं, तो उससे लड़ाई के लिए करने के लिए वो जब तैयार हो करेगा बॉडी को, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, इसीलिए बढ़ता है ताकि वो जो भी कोई जरासीम आया वो मर जाए या ख़त्म हो जाए या निकल जाए बॉडी से, तो वो डिफेंड करती है बॉडी। उस सिस्टम को हम कहेंगे इम्यून सिस्टम, और उसकी स्टडी को हम कहेंगे इम्यूनोलॉजी, विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, जो बाहर से आने वाले माइक्रोब्स हैं उनको उनसे डिफेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में हम स्टडी करेंगे इंसेक्ट्स को। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को, हशरात को। लास्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स, हमने इसमें ड्रग्स को स्टडी करना है, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है ह्यूमन सिस्टम पे, ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। कुछ डॉक्टर्स जो हैं स्टीराइड्स हमें दे देते हैं, या कुछ और मेडिसिन दे देते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं वो जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है बॉडी पे, वो सारा हम स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी में। नेक्स्ट बॉक्स में उन्होंने दिया हुआ है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीजेस, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। रेजिंग इश्यूज़ का बताया है कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं रेजिंग, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, इन्फेक्शियस डिजीजेज आ गए हैं, नुकसान पहुँचाने वाली बहुत सी बीमारियाँ हैं, एडिक्टिव ड्रग्स मंशियात हैं, एंड पोल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इशूज़ टुडे, और पोल्यूशन जो है आजकल का मेजर इशू है। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने होमवर्क में। फार्माकोलॉजी तक हमारी ब्रांचेस कंप्लीट हो गई हैं, मेरा ख्याल है आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम अपने थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेज, बायो का रिलेशनशिप दूसरी साइंसेज के साथ क्या था, क्या है, केमिस्ट्री के साथ क्या है, फिजिक्स के साथ क्या है, मैथ के साथ क्या है, तो ये हम सारा कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक करिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।